बक्सर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को विफल करते हुए कुल 3 पुराने अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधियों में 2 अंतर जिला तथा अंतर्राज्यीय अपराधी हैं जिन्होंने लूट की अधिसंख्य वारदातों को अंजाम दिया है, जिसमें मुथूट फाइनेंस में तथा स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूट की घटनाएँ शामिल हैं। यह सभी अपराधी पटना के बेउर जेल में बंद हत्यारोपी शेरू सिंह के इशारे पर पुनः किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए पहुंचे हुए थे, तभी बक्सर पुलिस के हत्थे चढ़ गए। इस संदर्भ में प्रेस वार्ता करते हुए एसपी नीरज कुमार सिंह ने बताया कि हाजीपुर पुलिस के द्वारा यह सूचना दी गई थी कि 2 कुख्यात अपराधी बक्सर के कृतपुरा में शिवशंकर राय के यहाँ ठहरे हुए हैं तथा उनके पुत्र दीपक राय के साथ मिलकर किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना के आलोक में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के कृतपुरा में दीपक राय नामक व्यक्ति के यहाँ छापेमारी की गई, जहाँ से पुलिस ने हाजीपुर के बागदुल्हन गांव के निवासी मोहम्मद इजहार आलम के पुत्र अरशद आलम तथा वैशाली जिले के लालगंज थाना क्षेत्र के पचरुखी गांव निवासी श्याम नारायण ठाकुर के पुत्र रंजीत कुमार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों की उम्र तकरीबन 30 वर्ष है। दोनों गिरफ्तार अपराधियों के पास से 1.65 mm का पिस्टल, उसकी 5 गोलियां, 1 देसी कट्टा तथा 315 बोर की 5 गोलियां बरामद की गई। साथ ही उनके पास से बरामद मोबाइल फ़ोन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में इजहार पर अलग अलग थानों में कुल 12 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके साथ ही रंजीत पर 6 आपराधिक मामले तथा बक्सर के कृतपुरा निवासी दीपक राय पर कुल 2 आपराधिक मामले अब तक सामने आए हैं। हाजीपुर के डीआईजी टीम के द्वारा एक बड़ी महत्वपूर्ण सूचना हम लोगों को दी गई, हमारे डीआईजी को और हम लोगों को, कि एक इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट गिरोह आपके यहाँ ठहरा हुआ है और 1-2 दिनों के अंदर एक गंभीर कार्य कारित करने वाले लोग हैं। जो हाजीपुर के टीम के द्वारा जो सूचना दी गई उसका हम लोगों ने सत्यापन शुरू किया। सत्यापन के पश्चात देर रात में और अहले सुबह 2 अपराधियों की गिरफ्तारी की गई। पुनः हमारे टीम हाजीपुर के टीम से संपर्क किया और इन लोगों के से जो भी बरामद था उसके बारे में उनको अवगत कराया। उन लोगों के द्वारा पहचान किया गया कि ये जो अपराधी हैं अरशद आलम रंजीत कुमार हैं, जो दोनों कुख्यात अपराधकर्मी हैं। ये अपराधकर्मियों का एक संगठित गिरोह है जो सामान्यतः स्वर्ण व्यवसायियों के यहाँ लूट और मुथूट फाइनेंस जैसे बड़ी कंपनियों में सोने चांदी का लूटपाट करते हैं। अभी तक इन लोगों के 12 आपराधिक घटनाओं का जो है कि अभी तक हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। ये समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, इसके अलावे इंटर स्टेट जिले जैसे जयपुर के जगहों में इन लोगों ने घटना कारित किया है। इनके सिंडिकेट रांची से भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी वहाँ का भी आपराधिक इतिहास हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बक्सर में ये क्यों आए, किस कारण के लिए आए, इसका भी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। और अभी वैशाली की टीम हमारे पास हम लोग के सामने इंट्रोगेशन में सहयोग कर रही है और काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आ रही है जो अभी अनुसंधान का विषय हम लोगों के लिए। समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर की टीम आने वाली है और बाहर की भी टीम आने वाली है। इनका एक सिंडिकेट है और जैसा कि पहले हम लोगों ने बताया कि ये सिर्फ और सिर्फ जो है कि स्वर्ण व्यवसायी और मुथूट फाइनेंस जैसे बड़े कंपनी जहाँ पर सोना का आवाजाही और लेन देन होता है उसको ये टारगेट करते हैं। यहाँ पे आने की वजह जो है कि एक कुख्यात अपराधकर्मी के द्वारा घटना को कारित करने के लिए यहाँ पर भेजा गया था, उस पर भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और साथ ही साथ इनके जो भी अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी तहकीकात करके हम लोग सभी टीम मिलकर जो है कि काम कर रहे हैं।